के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमले का इंटरनेशनल सिग्नल दे दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से हॉटलाइन पर बात करते हुए पुतिन ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन पर परमाणु हमले की तैयारी हो चुकी है। पुतिन के इस ऐलान के बाद व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक अफरा तफरी मच गई है। अमेरिका के एनएसए जैक सलिवन ने पुतिन के सुरक्षा सलाहकारों से डिजास्टर डिप्लोमेसी के तहत संपर्क साधा है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि परमाणु हमला कब और कहां होगा पुतिन ये भी तय कर चुके हैं। पुतिन के इस फैसले के बाद दुनिया में कैसे हड़कंप मचा है और पुतिन कितने बड़े पैमाने पर विनाश की तैयारी कर चुके हैं, देखिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमले की फाइल पुतिन ने साइन कर दी है। शेगेट नाम से विनाश का कुख्यात प्रतीक बन चुकी पुतिन की न्यूक्लियर फुटबॉल तैयार कर दी गई। पुतिन ने फैसला कर लिया है कि युद्ध खत्म करना होगा और उसके खात्मे के लिए महाविनाश का बटन दबाना ही अंतिम विकल्प है। क्योंकि जिस रूस के विस्तार के लिए पुतिन ने युद्ध छेड़ा था, अब यूक्रेन उसके अस्तित्व पर खतरा खड़ा करने का प्लान बना चुका है। ये मैप यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के हेड की वॉर फाइल से लीक हुआ है। इसमें रूस को खंड खंड करने का टारगेट है। इस मिशन को अंजाम कैसे दिया जाएगा ये अभी सीक्रेट है। बीते हफ्ते पुतिन ने रूस के न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन का हवाला देते हुए कहा था कि युद्ध जीतने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन लगता है रूस के नक्शे को बिखरता देख इरादा बदल लिया गया है। पुतिन के ताजा बयान ने अमेरिका के व्हाइट हाउस, लंदन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट से लेकर पेरिस के एलिसी पैलेस तक हड़कंप मचा दिया है। पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बात की। दोनों के बीच न्यूक्लियर हथियारों से होने वाले विनाश पर बातचीत हुई। इसी बीच पुतिन ने एक ऐसा बयान दिया जिससे मैक्रो चौंक गए। पुतिन ने कहा, जीत के लिए बड़े शहरों पर हमला करने की जरूरत नहीं होती। पुतिन ने द्वितीय विश्व युद्ध खत्म करने वाले अमेरिका के परमाणु हमले का जिक्र किया। उन्होंने कहा, अमेरिका ने छोटे शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था। अगस्त 1945 में अमेरिका के दो परमाणु हमलों से 3,55,000 लोग मारे गए थे। अमेरिका के इस हमले के बाद जापान ने हथियार डाल दिए थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। पुतिन के इस बयान के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने महाविनाश की आहट का अलार्म बजा दिया है। मैक्रों के अलर्ट जारी करने के बाद अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सलिवन पैनिक मोड में आ गए हैं। अमेरिका ने डिजास्टर डिप्लोमेसी प्लान एक्टिवेट कर दिया है। अमेरिका के एनएसए जैक सलिवन ने पुतिन के सुरक्षा सलाहकारों से फोन पर सीधे बात की है। जैक ने पुतिन की विदेश नीति सलाहकार यूरी यूशाकोव और पुतिन के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी निकोलाई पात्रुशेव से बात की है। डिजास्टर डिप्लोमेसी का मतलब होता है महाविनाशक कदमों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर देना। अमेरिका ने युद्ध में पहली बार डिजास्टर डिप्लोमेसी शुरू की है, जो इस बात का संकेत है कि अब पुख्ता जानकारी मिल गई है कि पुतिन कभी भी महाविनाश का बटन दबा सकते हैं। पुतिन ने इशारा कर दिया है कि यूक्रेन को डिगाने के लिए वो किसी बड़े शहर को निशाना बनाएंगे ये जरूरी नहीं है। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA को ऐसे इनपुट मिले हैं कि पुतिन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन चलाने की फाइल पर साइन कर चुके हैं। अमेरिकन मीडिया ने CIA सूत्रों से मिली जानकारी पर दावा किया है कि पुतिन ने फाइनल प्लान तैयार कर लिया है।
अमेरिकन मीडिया को मिली जानकारी के मुताबिक क्रेमलिन में पुतिन के सुरक्षा सलाहकारों और बड़े अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में न्यूक्लियर वेपन कब, कहां और कैसे चलाए जाएं, इस पर चर्चा की गई। दावा है कि पुतिन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल को मंजूरी दे चुके हैं और इसे तीन तरीकों से डेटोनेट किया जा सकता है। रूस दक्षिणी या उत्तरी यूक्रेन में टैक्टिकल परमाणु बम चला सकता है। छोटे बम को ओवरग्राउंड डेटोनेट किया जा सकता है। हवा का रुख देखकर ब्लैक सी के ऊपर परमाणु विस्फोट करके भी विनाश मचाए जाने की आशंका है। टैक्टिकल वेपन चलाए जाने का मतलब होगा हजारों लोगों की एक झटके में मौत। दूर दूर तक रेडिएशन और दशकों तक वो इलाका वीरान रहेगा जहां इसका असर होगा। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी यूक्रेन पर बड़े हमले की आशंका जताई है। रूस की महाविनाशक तैयारी को देखते हुए अमेरिका ने भी डिफेंस प्लानिंग तेज कर दी है। अमेरिका के दो वॉर प्लेन्स जिब्राल्टर में मैन्यूवरिंग करते देखे गए। जिब्राल्टर में अमेरिका का एंटी सबमरीन विमान P-8A पोसाइडन नजर आया। इसके साथ E-6B मर्क्यूरी भी देखा गया। भूमध्य सागर में अमेरिका की USS रोड परमाणु पनडुब्बी गश्त लगा रही है। ये उसी पनडुब्बी के साथ चलने वाले विमान हैं। अमेरिका की डिजास्टर डिप्लोमेसी और परमाणु हमले को रोकने के लिए तैनात जासूसी विमान सहित पनडुब्बी की तैनाती संकेत दे रही है कि अब पुतिन कभी भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।